दिल्ली धाम खाटू श्याम के दर्शन आपको कराते हैं के NH 44 के पास अलीपुर में दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर है, जहाँ पर आपको बता दें कि इस मंदिर में दर्शन करने के तरीके आपको बता दूँ कि शुरुआत में ये रेलिंग लगी मिलेगी, जिसमें कि आप कुछ इस तरह इन रेलिंगों से गुजर कर इस तरह मंदिर के गेट में प्रवेश करेंगे। लेकिन आगे की तस्वीरें भी आपको साफ तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह इस मंदिर में आए और किस तरह दर्शन करें। आप कुछ इस तरह इस लाइन में जाएंगे और दर्शन करने के लिए, जिस तरह रिंगस में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी रेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो आपको शुरुआत भी दौर में घाट दिखाई मिलेगा और आप ऐसे ही सीधे अंदर जाओगे तो आपको ये बोर्ड भी नज़र आ जाएगा जिस पे खाटू श्याम दिल्ली धाम नाम लिखा है, और आप इस जो हरे कलर की जो पट्टी है, जो घास वाली पट्टी है, आप इसके साथ साथ जाते रहिए। और इसमें में हर एकादशी पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज एकादशी तो नहीं है लेकिन छुट्टी का दिन है। आप इसी तरह देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। ये बैठने की व्यवस्था यहाँ पर है, आप बैठ सकते हैं, रह सकते। गर्मी ज़्यादा अभी है, इसी तरह चलते रहिए। लगभग आपको 100 मीटर ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा, 100 मीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं होता। तो आपको सीधे तौर पर ये झंडे भी आपको दिखाई देंगे, काफ़ी अच्छे लहराते हुए झंडे, क्योंकि कुछ दिन पहले आंधी भी आई थी, कुछ झंडे फट गए हैं, लेकिन इसी तरह झंडे आपको लहराते नज़र आएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि आप खाटू श्याम नहीं जा पाते मेरे खाटू श्याम के मंदिर में, आपको शुरुआत में दुकानें भी दिखेंगी, इन दुकानों पे से आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, चाहे फूल माला किसी भी तरह का कोई भी आइटम, यहाँ पर कुट्टी या फिर खाटू श्याम जी की तस्वीर आप ले सकते हैं। और साथ ही आपको प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, कचौड़ी है, मिठाइयाँ हैं, तमाम तरह का प्रसाद यहाँ पर मिलते हैं और इन कुर्सियों पर बैठ कर लोग खाते हैं। तो ऐसे ही आगे चलते रहिए, जैसे ही आप इन स्टॉल के पास से गुजरेंगे तो पास में आपको ये रैक दिखेंगे। इन रैक में आप अपने जूते उतार सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रखना, लेकिन आप अपने साथ सामान भी ले जा सकते हैं, लेकिन जूते जरूर आपको आगे उतारने पड़ेंगे। आप ऐसे ही चलते रहिए थोड़ा सा आगे, तो ऐसे शुरुआती दौर में 100 मीटर चलने के बाद आपको ये दूसरा दरवाज़ा दिखेगा अपने राइट हैंड पर। इस दूसरे दरवाजे के ठीक सामने ही आपको गेट दिखेगा और सामने आपको मंदिर भी नज़र आ जाएगा दिल्ली धाम खाटू श्याम जी का। तो जो लोग रिंगस नहीं जा पाते, खाटू जगह नहीं जा पाते, तो आप दिल्ली में भी इस तरह दर्शन कर सकते हैं। और आप इस तरह थोड़ा आगे चलेंगे लगभग 30 से 40 मीटर, तो आपको सामने मंदिर नज़र आ जाएगा। तो ये लोग भी मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं, और साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यहाँ पर आम जनता के लिए व्यवस्था, आखिर इस तरह की जो बड़े बड़े आम के बैठने की व्यवस्था की। तो आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ की दूरी आपको इतनी दिखेगा पर हवन हो, यहाँ पर लोग घर आते हैं, झंडे जो घर से लेकर आते हैं, जो बाहर से लेकर आते हैं, वो यहाँ पर झंडे रखे जाते हैं। और ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जो कि दिल्ली में स्थित है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, इसको गोल्डन टेंपल का रूप दिया हो, बिल्कुल गोल्डन टेंपल की तरह इस तरह नज़ारा दिख रहा है। तो आप अभी दोपहर के समय 1 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, 4 बजे तक, तो कपाट बंद होने के चक्कर में आज जो लोग हैं वो बाहर बैठे रहते हैं। अभी 4 बजे जैसे वो कपाट खुलेंगे तो लोग दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी खूबसूरत फूल भी सजा रखे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है जूते पहन के अंदर जाना मना है,
यहीं पर भी जूते लोग बाग उतार देते हैं, हम भी जूते उतारते हैं। फिर सामने खाटू श्याम जी का मंदिर है, सामने मूर्ति स्थापित है, वो यहाँ लोग बाग गर्मी में यहाँ आराम फरमा रहे हैं क्योंकि कपाट बंद है, तो इसी के चलते लोग है वो इस पंखे की हवा में बैठे हैं। काफ़ी बड़ा पंखा भी आपको नज़र आएगा, इस पंखे के नीचे लोग बाग अभी आराम फरमा रहे हैं। तो आपको जब कपाट खुलेंगे उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, और जब कुछ प्रोग्राम होते हैं उसकी भी तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाएंगे।